अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपने घर में हथियार रखो। कर्नाटक में भड़काऊ भाषण को लेकर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। तृणमूल कांग्रेस नेता और एक राजनीतिक विश्लेषक ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिमोगा में हाल ही में एक हिंदू समर्थक संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में प्रज्ञा के शामिल होने और उनके द्वारा कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले और राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला ने शिमोगा के सांसद जीके मिथुन कुमार सहित ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसकी जानकारी दोनों ने अलग अलग ट्वीट करके दी। गोखले ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा 25 दिसंबर को दिए गए सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण के संबंध में आज सुबह कर्नाटक पुलिस और शिमोगा के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई। वो चाहते थे कि पुलिस तुरंत एक प्राथमिकी दर्ज करे। गोखले ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ठाकुर की रविवार को कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति भड़काने और धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। पूनावाला ने अपनी शिकायत में ठाकुर पर कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्यधिक निंदनीय और अपमानजनक भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिया और बाद में उनके कार्यालय ने उन्हें फोन किया और आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट कर शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर लोग लगातार पुलिस प्रशासन से सांसद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। जाने माने पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया, प्रज्ञा ठाकुर के बेहद खतरनाक बयान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या मोदी अपनी पार्टी की सांसद का समर्थन करते हैं? यह प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन करते हुए प्रज्ञा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस से जुड़ी पूजा त्रिपाठी ने लिखा, प्रधानमंत्री प्रज्ञा ठाकुर के हर नफरती बयान से ये कहकर किनारा नहीं कर सकते कि उनके दिल को ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री की चुप्पी इस कम्युनल स्पीच का मौन संरक्षण है। जैसा कि राहुल जी कहते हैं, ये 24 घंटे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही इनका चुनावी हथियार है। पेशे से लेखक सुचित्रा विजयन ने ट्वीट में लिखा, यूएपीए के तहत आरोपित पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को दुर्लभ परिस्थितियों में जब जमानत मिल जाती है तो उन्हें लगभग हमेशा मीडिया से बात करने से रोक दिया जाता है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर जो 2017 से जमानत पर बाहर हैं, जबकि यूएपीए के तहत आरोप लगाया गया है, उन्होंने नियमित रूप से हिंसा को उकसाया है। वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान ने लिखा, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का शॉकर। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपने पर हमला करने वालों और उनकी गरिमा को जवाब देने का अधिकार है। समुदाय से कम अपने घरों में चाकू तेज रखने का आह्वान किया, सीधे तौर पर हेट स्पीच। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद ठाकुर ने कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। यहां तक कि उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में भी बात की थी। उन्होंने शिवमोगा कार्यक्रम में ये भी कहा था, समुदाय यानी हिंदू समुदाय आत्मरक्षा के लिए अपने घरों में धारदार चाकू रखे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।